दोस्तों किशनगंज बहादुरगंज रूट पर एक जबरदस्त हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। किशनगंज टू बहादुरगंज रूट में गोपालपुर चौक भाटा के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने एक स्कूटी सवार को इतनी जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की वहीं पर ही मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक भी रोड से नीचे आकर के पलट गया। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि मृत व्यक्ति का पूरा बॉडी कई भागों में बट गया। जी हाँ, यह हादसा किशनगंज टू बहादुरगंज रूट में हुआ है और यह जबरदस्त हादसा हुआ है। आपको बता दूं कि व्यक्ति की मौत इतनी दर्दनाक थी कि कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा गोश्त का लुथरा बन गया था। जब मृतक व्यक्ति की पहचान बहादुरगंज भौरादहा के इदरीस के रूप में हुई है, जब कई घंटों तक शव का पहचान नहीं हो सका, क्योंकि बॉडी की हालात कुछ इस कदर खराब हो चुकी थी कि पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया था। मगर गाड़ी नंबर और कपड़े के आधार पर आखिरकार मृत की पहचान संभव हो सका। यह घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में काफी गम और गुस्सा का माहौल दिखा है। आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क को जाम कर दिया और जम करके नारेबाजी भी की। यह युवाओं ने यहां के तमाम नेताओं से सवाल पूछा है कि आखिर क्या बात है कि इस रूट में लगातार आए दिन दुर्घटना होते रहता है, मगर किसी के तरफ से भी यहाँ पर कोई पहल क्यों नहीं किया जाता है। हादसे में गलती किसकी रही होगी, ये कहना तो मुश्किल होगा, मगर एक चीज तो आम तौर पर देखा जाता है कि इस रूट पर चलने वाले 10 चक्का वाहन काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और दिन कोई ना कोई रफ्तार का शिकार जरूर हो जाता है। मगर सबको मिलकर के मंथन करना होगा और यहां के नेताओं से सवाल पूछना होगा कि आखिर बड़ी गाड़ियां इस रूट पर इतनी तेज रफ्तार क्यों चलता है, जबकि रास्ता जितना चौड़ा होना चाहिए था उतना नहीं है। आखिर प्रशासन के द्वारा तेज रफ्तार चल रही गाड़ियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है। वक्त आ गया है कि अब युवा जागरूक हो जाए और तेज रफ्तार से चल रही बड़ी गाड़ियों के खिलाफ एक मुहिम चलाया जाए। जहाँ हम आपको बता दें कि भौरादहा के इदरीस आलम की दुर्घटना कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बॉडी को समेट करके टोकरी में रखा जा सकता है। जब परिवार वालों ने मरने वालों की सब को पहचाना, तब परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। जहाँ खबर सुनते ही पूरा भौरादहा में मातम छा गया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि बहादुरगंज किशनगंज रूट में गोपालपुर चौक भाटा के पास ये हादसा हुआ है। जब कुछ दिन पहले भी गोपालपुर चौक में ठीक इसी तरीके का हादसा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हम हर हादसे के बाद फिर चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं, मगर नहीं, हमें इस पर सतर्क होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अधिकतर दुर्घटना तेज रफ्तार के कारण होता है, इस पर लगाम लगाना पड़ेगा और इस पर लगाम लगाने के लिए जो भी करना पड़े वो करना पड़ेगा। अगर आपको इन बड़े गाड़ियों की रफ्तार आपको देखना हो तो कभी रात में इस रूट पर सफर करें, तब आपको इन बड़ी गाड़ियों में से काफ़ी डर लगेगा। जहाँ अनुमान के मुताबिक ऐसा आंकलन किया जाता है कि इन बड़ी गाड़ियों के अधिकतर ड्राइवर शराब के नशे में होते हैं, मगर फिर भी प्रशासन इन चीज़ों को लेकर के कोई भी खास तवज्जो नहीं देता है। चूँकि लोग हमारे मर रहे हैं तो इसलिए डर तो हमें ही होगा। तो आइए इन ड्राइवरों की तेज रफ्तार पर हम लगातार बात करें, शासन और प्रशासन पर दबाव बनाएं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर इस मामले पर विशेष ध्यान दिलाया जाए। जी, क्योंकि जब तक नहीं, अगर जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक यहाँ के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे, तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।